दोस्तों बैंगन का पौधा जब ग्रो होने लगता है यानी जब फ्लावरिंग स्टेज आने लगता है तो उस समय पर बैंगन के पौधे में सबसे बड़ी जो डर रहता है वो होता है तनाछेदक इल्ली। तो तनाछेदक एक ऐसा खतरनाक इल्ली होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए कितना ही ना महंगा महंगा दवा छिड़काव किया जाए वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी बैंगन में तनाछेदक को कंट्रोल करके वो भी लंबे समय तक। तो आखिर कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे और कितनी मात्रा में छिड़काव करेंगे प्रैक्टिकली आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो ले आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं तनाछेदक के बारे में थोड़ा डिटेल्स में और उसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे तनाछेदक को कैसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और कौन कौन सी दवा को कितने मात्रा में छिड़काव करेंगे और लंबे समय तक कंट्रोल करेंगे वो भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले जान लेते हैं तनाछेदक क्या होता है। तनाछेदक एक खतरनाक इल्ली होता है जो कि बैंगन के पौधे में सबसे ज़्यादा अटैक होता है। उसके अलावा और भी विभिन्न फसल में अटैक होता है लेकिन बैंगन के पौधे में कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने को मिलता है। तो बैंगन में तनाछेदक एक इल्ली होता है जो कि बाहर से आप लोगों को ये इल्ली दिखाई नहीं देता है। जब बैंगन का पौधे का जो तना होता है वो मुरझा हुआ मतलब जो एनर्जेटिक लॉस हो जाता है पौधा का उस प्रकार को देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, तब आप लोगों को बाहर से पता चलता है कि इसमें तनाछेदक इल्ली का प्रकोप हुआ है। लेकिन इल्ली आप लोगों को बाहर से नहीं दिखाई देता है। इल्ली जो है मतलब तना को आप लोग जैसे काट करके देखेंगे तो उसके अंदर जो इल्ली होता है वो छुपा हुआ रहता है और वही इल्ली आप लोगों को नुकसान में पहुंचाता है। बाद में जो फ्रूट बोरर लगता है यानी जो फलछेदक इल्ली होता है वही इल्ली आप लोगों को फल में भी छेद करता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाएंगे बैंगन में तनाछेदक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी दवा को छिड़काव कर रहे हैं, कितने मात्रा में छिड़काव कर रहे हैं वो भी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो बैंगन का प्लॉट है इसमें बैंगन में तनाछेदक का प्रकोप हो चुका है। तो सबसे पहला जो दवा ले रहे हैं वो होता है बायर का भाइगो। भाइगो एक बायर क्रॉप साइंस ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो कि इसके बारे में चैनल पर डिटेल्स में वीडियो बनाकर रख दिए हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे चैनल पर मेरे कमेंट भी आ चुका है कि बैंगन का जो रिजल्ट है भाइगो के ऊपर वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका रिजल्ट भी आप लोगों को इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो बायर का भाइगो को ले रहे हैं हम 8 ml जो कि टेट्रानिलीप्रोल 18.18% SC फॉर्मुलेशन में है। इसको 8 ml ले करके पूरा घोल बनाकर हम यहाँ पर बैंगन के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। इसमें हमको 15 से 18 दिन तक रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और उसके अलावा सेकेंड जो दवा ले रहे हैं वो हो रहा है सुमिटोमो केमिकल कंपनी का सुमिप्रेम इंसेक्टिसाइड, जिसमें आप लोगों को पायरीपोक्सिपेन 5% के साथ साथ फेनपेरोपेथ्रिन जो कि 15% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। और ये जो दवा है इसको हम ले रहे हैं 30 ml प्रति 15 लीटर के पानी में और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बैंगन में स्प्रे कर रहे हैं। इसमें भी हमको 15 से 17 दिन तक रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों इस दोनों में से आप लोग किसी को एक को ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और लंबे समय तक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग पूरे डिटेल्स में इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।